नमस्कार, जेवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नावा से है, जहां अवैध मिट्टी खनन के कार्य में नावा मुख्यालय का नाम अब जिले में अग्रणी आना शुरू हो गया है। बिना खनन विभाग की एसटीपी से कई अवैध खननकर्ता दिन रात मिट्टी का दोहन करने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि नावा में रेलवे स्पीड फास्ट ट्रैक का कार्य जोरों पर चल रहा है। इस बाबत अलग अलग क्षेत्रों में टेंडर धारकों द्वारा मिट्टी बिछाने का कार्य आवंटित किया गया, लेकिन कई महीनों से नावा झील क्षेत्र के पास अवैध मिट्टी का दोहन हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टेंडर धारकों द्वारा नियत स्थान से अन्य स्थान पर बिना खनन विभाग की अनुमति से मिट्टी दोहन का कार्य निर्बाध रूप से किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर टेंडर धारकों को मिट्टी खनन करने के लिए खनन विभाग द्वारा एसटीपी दी गई थी, लेकिन ताजुब की बात है कि जो खनन विभाग का क्षेत्र दिया गया था उससे अधिक मिट्टी का दोहन करने के साथ एसटीपी का खसरा नंबर अलग है और जहां से मिट्टी का दोहन हो रहा है वहां का खसरा नंबर अलग है। इस तरह से सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रशासन व खनन विभाग भी इस ओर कार्रवाई करने में अपनी आंखें मूंदे हुए दिखाई दे रहे हैं। नावा से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।